Previous session we have started the session of current affairs. So today also we will study some of the current affairs and some important things which you have to know. And the first one is Anil Dasmana becomes new chief of NTRO. Anil Dasmana jo hai new chief bane hai NTRO ke. What is NTRO? It's National Technical Research Organization. So नेशनल इंडिया में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो नेशनली नेशनल पे लेवल पे जो रिसर्च होते हैं टेक्निकल रिसर्च होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये एंड इट इज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द पीएम्स ऑफिस इंडिया. सो ये क्या है? ये एक इंटेलिजेंस टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है पीएम ऑफिस में उसके अंडर में रहती है ये. इट वाज सेट अप इन 2004. सो इसका सेटअप जो हुआ था वो 2004 में हुआ था. इट आल्सो इंक्लूड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज NICRD व्हिच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया. सो इसके अंडर में एक क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसके अंडर में NICRD आता है. क्या है इंस्टीट्यूट? है एक क्रिप्टोलॉजी. क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? कोई कोड का सेटअप, मीन जो कोड कोडिंग जो हम सीखते हैं वो उसका इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका. एंड विच वॉज फर्स्ट, मीन जो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर एशिया. नेक्स्ट वन इज बराक ओबामा अनाउंसेस हिज मेमोयर अ प्रॉमिस्ड लैंड. सो बराक ओबामा ने एक अपना मेमोयर मींस एक बायोग्राफी जो अपने पर्सनल नॉलेज पे लिखी गई हो. सो उन्होंने लिखी अ प्रॉमिस्ड लैंड. थर्ड वन इज DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अभ्यास फ्रॉम ओडिशा. सो DRDO मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने टेस्ट फायर के अभ्यास का ओडिशा से. लेट्स सी व्हाट्स दिस. इट हैज सक्सेसफुली टेक्स अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम द इंटरिम टेस्ट रेंज बालासोर इन ओडिशा. सो उन्होंने एक फ्लाइट टेस्ट किया अभ्यास का बालासोर ओडिशा में व्हिच इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. सो ये हीट जिसे हम शॉर्ट में हीट कह सकते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. इन्होंने यहाँ इसके से अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट किया विच इट कैन बी यूज एज अ टारगेट फॉर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम. सो जिसे कि हम एज अ टारगेट इवेल्युएशन मीन्स जिसे हम एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम्स. वेरियस मिसाइल डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. Now the fourth one is India's longest bridge. Students, these three questions are some important things, some normal things which you should know. ये normal ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो fourth one is India's longest bridge. So India की longest bridge क्या है? Dr. Bhupen Hazarika bridge. So ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनी हुई bridge है जो कि India की largest bridge कही जाती है. फिफ्थ वन इज लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया. सो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे क्या है? NH 44 नेशनल हाईवे 44. सिक्स्थ वन इज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया. सो इंडिया की लार्जेस्ट नदी एज यू ऑल नो इट्स गंगा हूज लेंथ इज 2525 किलोमीटर. 2525 किलोमीटर तक वो नदी फैली हुई है गंगा नदी. एज यू मस्ट नो कि इंडिया का सबसे बड़ा रोड सबसे बड़े रोड का नाम है GT रोड दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड. ओके नाउ टुडे सेशन इज ओवर एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स. टिल दैट थैंक यू.